आह्लादित करती है वह छंद कहलाती है। अतः सुनिश्चित उतार चढ़ाव के साथ जब वह काव्य रचना पढ़ी जाती है तो पढ़ने वाले को और सुनने वाले को दोनों को ही आनंद की अनुभूति होती है। हमने पढ़ा कि छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद के अंतर्गत हमने दोहा, चौपाई, कुंडलिया छंद को पढ़ा और वर्णिक छंद के अंतर्गत हमने वंशस्थ, सवैया और बसंतिका, मंदा, प्रांता इन छंदों का अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ा कि गण का सूत्र यह माता राज भानस लगा, जो आप सभी को याद भी होना चाहिए। आठ गण समूह हैं और हमने मात्रा लगाने के नियम भी पढ़े। कुछ नियम जैसे कि अनुस्वार वाला स्वर वर्ण जो है वह दीर्घ स्वर में होगा, तो लघु गुरु मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती हैं, लघु स्वर चार हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, उन बातों पर हमने चर्चा की। तो ये नियम आपको याद होने चाहिए, तभी आप छंद को पूर्ण रूप से लिख पाएंगे और आप छंदों के नियम और उसके उदाहरण भी याद करने की कोशिश करेंगे। लिखित सामग्री रखिए, हमेशा नोट्स बनाइए और ये नहीं कि हमने वीडियो से पढ़ाई कर ली और वो ही पढ़े, नहीं। जब तक आप उसे राइट डाउन नहीं करेंगे तब तक आपको आपके मस्तिष्क पटल पर स्थायी रूप से नहीं रहेगी और लिखी हुई सामग्री को हम कभी भी खोलकर पढ़ सकते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। और जब आपके पास नोट्स रहते हैं तो वो हमेशा के लिए स्थायी रहता है, इसलिए नोट्स बनाते रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखते रहिए। आगे जो हम छंद पढ़ेंगे वह भी वर्णिक छंद ही है। हमने वर्णिक छंद में वंशस्थ, बसंतिका और मंदाकांता छंदों का अध्ययन किया। वंशस्थ छंद समवर्णिक छंद है, 12 वर्ण होते हैं और जत जर के आधार पर हमने उसे याद किया, जगण, तगण, जगण और रगण। उसके बाद हमने बसंतिका को पढ़ा। बसंतिका में 14 वर्ण होते हैं जो कि नियम हमने पढ़ा, तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु, तब, जज और दो गुरु आधार पर हम उसने उसका अध्ययन किया। मंदाकांता जो छंद है उसमें 17 वर्ण होते हैं जिसमें 5 गण हैं और दो गुरु अंत में आने हैं। उसका नियम था आपके मगण, भगण, तगण, मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, म, भ, न, ता, त और अंत में दो गुरु के आधार पर हमने मंदाकांता छंद को पढ़ा। आगे अब हम पढ़ेंगे मालिनी छंद। मालिनी छंद
के अनुसार नगण न सरल न सरल, उसके बाद मगण मा तारा, ये मा ता, यगण ये माता होती है। उसमें पहले ही नियम बता दिया है, नैन म यय। मालती छंद में 15 वर्ण होते हैं और नैन म यय के आधार पर इसमें नियम है, अर्थात नगण नगण, मगण यगण यगण इसमें होते हैं। लखकर मुख सूखा सूखता है कलेजा, मात्राएं लगा लीजिए, नन सल नन सल, फिर है आपके मगण मा ता रा, फिर है यगण ये मा ता ये मा, यानी कि गुरु स्वर और लघु स्वर के आधार पर इसने लगे। और विचलित होता है विलोम के गीतों के, और विचलित होता है और विचलित होता है विलोम के गीतों के, जो आपदा ना खाई, आपदा है विपत्ति, आपदा ना खाई, यह अग्नि फटेगी और यह अग्नि फटेगी और मालिनी छंद वर्णित छंद है। इसमें कुल 15 वर्ण होते हैं और 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। 8 वर्ण का है लखकर मुख सूखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यति, सूखता है कलेजा अंतिम 7 वर्ण। और विचलित होता है 2 4 6 और 2 8 और विचलित होता है विलोम के गीतों के, सित पर सिर पर सुत के जो आपदा नाथ आई, यह अग्नि फटेगी वो समा जाऊंगी मैं। तो 2 3 6 3 और 2 5 और 3 7 और 8 यह अग्नि फटेगी वो समा जाऊंगी मैं। मालिनी छंद वैणिक छंद है, कुल 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। न न म य य के अनुसार नगण नगण, मगण यगण यगण इसमें होते हैं। न न म य य, याद कर लीजिए, 8 और 7 वर्णों पर यति है, न न म य य इसका नियम है, अर्थात नगण नगण, मगण यगण यगण इसमें होता है। उदाहरण है लखकर मुख सूखा सूखता है कलेजा, और विचलित होता है विलोम के गीतों के, सिर पर सुत के जो
आपदा ना आई, यह अग्नि फटेगी तो समा जाऊंगी मैं, यह अग्नि फटेगी तो समा जाऊंगी मैं। विचलित होता है बिलों के दुखों के, सिर पर सुत के जो आपदा ना आई, यह अग्नि फटेगी और समा जाऊंगी मैं। मात्राएं लिखी एक पंक्ति भी मैं लगा दूँ।
कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। द्रुत विलंबित छंद एक सवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, नवण, भवण, भवण, रगण। शॉर्ट में हम याद कर लेंगे, नभु भर वंशस्थ में था, जत जर द्रुत विलंबित में है, नभु भर। तो आपके इंपॉर्टेंट है द्रुत विलंबित छंद, और बहुत ही सरल इसका उदाहरण हमने याद किया है। लिखेंगे, दिवस का अवसान समीप था, गगन था पुष्लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब्राज की, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा।
प्रबल जो तुम्हें पुरुषार्थ हो, मात्राएं लगाइए। चौपाई, दोहा, सवैया, कवित्र, कुंडलिया, वंशस, बसंत तिलका, मंदाक्रांता, मालिनी और द्रुत विलंबित छंद। सवैया छंद हमने पढ़ा। कई प्रकार का होता है, जिसमें से प्रमुख चार प्रकार के सवैये हमने पढ़े हैं। मालिनी और द्रुत विलंबित छंद में 12 वर्ण होते हैं। नगण, भगण, भगण, रगण होते हैं। क्रमशः नव भर के आधार पर आप इसे याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो।